सर ट्रेस करके बना देंगे बिल्कुल पेड लाइन तक। मैंने तो कल लाइव करके देखा, एक आईसी उठाया था मैंने पीएमआई, उसमें मैंने ट्रेस किया वीबस का लाइन, उसमें 135 नंबर की पिन पे मेरे को वीबस मिला। मैंने बनाया भी उसको, तो पूरा पेड लाइन तक ट्रेस किया मैंने, फिर वापस रिवॉल्व करके लगाया, फ़ोन चालू भी किया। तो ये चार्जिंग सेक्शन जो बहुत भारी सेक्शन होता है और कॉमन फॉल्ट होता है टेक्नीशियन के पास, हर चौथे मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो अब फेस करने को मिलेगी क्या प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं सर, अब तो सीधे सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल, एक बार देखेंगे ट्रेस करके और सॉल्यूशन सीधा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती है चार्जिंग में। पहले हम सीधे बाईपास करके बैटरी कनेक्टर पे डाल देते थे चार्जिंग, एक अलग से डायोड लगा के, पर अब ऐसा काम करना ही नहीं है, अब पूरा चीप लेवल वाला काम करेंगे, ट्रेस करके पूरा उसका सॉल्यूशन निकाल के। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपके पास? हाँ है सर। चलिए, आज देव सर के साथ पूरे 8 घंटे चार्जिंग क्लास चली, जिसमें पूरा निचोड़ हम लोग को देव सर ने दिया जी, उसके लिए देव सर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा जी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड हाफ में मैंने प्रैक्टिकल किया जी एमबी सर के साथ जी, कहाँ पे कितना क्या वोल्टेज आना चाहिए, कि वो कौन सा लाइन में क्या वोल्टेज आना चाहिए जी, सारा तीन मोबाइल में मैंने प्रैक्टिस उसका किया। तो तीनों मोबाइल पे आपने पूरी पेड लाइन चेक करी, वोल्टेज चेक करे, स्विचिंग देखी आपने कि कहाँ पे स्विचिंग होती है, कहाँ पे बूट बनता है आपका और कहाँ से आउटपुट निकलता है, पूरा का पूरा चेक किया हर चीज़। हर चीज़ सर, बहुत सारा उसमें ट्रिक्स भी मतलब हम लोगों को मिला कि कैसे क्या पहचाना जाए, किधर से क्या वोल्टेज आएगा, बराबर सारा ट्रिक्स के साथ हम लोगों ने उसको किया। तो और अपन सी टाइप सर्किट की बात करें तो कोई भारी है का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जो आज भारी चीज़ था सब अब एकदम आसान हो गया, एकदम बिल्कुल आसान, बिल्कुल हल्का हो गया। मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से हो सकता है, इतना एंडलेस हो सकता है, ये पता नहीं था, बस सुनते थे कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन आज पता भी चलिए कि एशिया टेलीकॉम में ये होता है। तो इस रजिस्टर के एक सिरे पर भी क्या आ जाएगी? जबकि इधर देखो कोई भी बीप नहीं आ रही, क्यों? एक ही लाइन छोड़ा। तो हम इस रजिस्टर को हटा देते हैं, हम इस रजिस्टर को देखो हटा दिया, अभी भी बीप आ रही है ना सर, क्योंकि हमने है ना सीपीयू से थोड़ा हटाया है, हमने हटाया है पावर आईसी से, चार्जिंग आईसी से। ये देखो हमने सीपीयू से थोड़ा हटाया, हमने तो चार्जिंग आईसी से हटाया भाई। ये अगर मैं इस रजिस्टर को हटा दूं, समझना, तो बताओ अभी भी लाइन क्या कनेक्टेड है? सीपीयू से। किससे हट गया? देखो अभी भी क्या कनेक्टेड है? सीपीयू से, क्योंकि शॉर्ट तो सीपीयू दे रहा है ना सर। क्या हट गया? चार्जिंग आईसी। मतलब अब इसके दूसरी ओर पे जीआर आ जाएगा, दूसरी ओर पे क्या आ जाएगा बताओ? देखो ये तो अभी भी बीप है, और ये वाला जो बीप है अगर मैं आपको उसमें देखा तो सीपीयू बता रहा है, ध्यान देना। ये देखो, ये देखो, ये वाला देखना, ये जो बीप है ना ये वाला जी। देखो कहां जा रहा है, सब लोग नोटिस कीजिएगा, ये वाला, ये उसको। तो ये पर्पल कलर का जो है, बैगन कलर का, ये जा रहा है मेरे भाई तुम्हारा सीधा किधर जा रहा है बताओ? सीपीयू शॉर्ट है, सीपीयू का खेल नहीं कर सकते विदाउट सीपीयू चेंज। तो अभी क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ, क्या करने वाले हैं बताओ? अब हमने बताओ जंपर कैसे करेंगे? अब हमने ये स्टार्ट हटा दिया, कैसे करेंगे? इधर से इधर पे क्या मार देंगे? चार्जिंग सेक्शन चल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुबह से लेके अब तक की चार्जिंग सेक्शन किस किस को समझ में आ रही है बताइए, बताओ सरल लग रही है कि कठिन लग रही है बताइए, पक्का? सीसी के जीआर वोल्टेज डीपी डीएम की लाइन का या उसका सर्किट की बात करें, या अभी फिलहाल बीबस की ओबीपी की आईसी की बात करें, तो भाई कौन बाईपास कर देगा मुझे बताइए यहाँ पर? ठीक है, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर क्या लिखा होता है जल्दी बताओ, और ये कितने लैक का होता है? अच्छा, इसका एक सिरा बूस्ट कॉइल से भी कनेक्ट, बक कॉइल से भी कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्विचिंग के साथ कनेक्ट होता है ना। तो ये क्या होता था जल्दी बताओ? तो यहाँ पे आप चार्जर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए? चार्जर लगाया, अब बताओ यहाँ पर कितने वोल्ट मिलने चाहिए जल्दी बताइए? तो इसका मतलब है कि हमें डीएसओ की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है? यहाँ पे इस आईसी को ए नंबर से चालू करेंगे ढूंढना, U1501A। तो यूएसबी नहीं आया तो हम इसको फिर बी में ढूंढेंगे, नहीं आया यूएसबी हम इसको सी में ढूंढेंगे, सी में भी नहीं आया डी में ढूंढेंगे,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद सर। कहाँ से हैं आप? मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही हैं, तो चलिए मैं बात करूँ, आज आपका किस चीज़ का सेक्शन था? आज हमारा सेक्शन था चार्जिंग एसी के साथ। चार्जिंग एसी का सेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। किसके साथ था क्लास? देव सर के साथ। देव सर के साथ क्लास था, तो चार्जिंग सेक्शन में कोई ऐसी एसी सर ने छोड़ा जिसके बारे में आपको बताया ना हो और या फिर टेस्टिंग ना कराया हो? सर बहुत बेहतरीन बताया, दो तीन एसी के लिए फर्स्ट सेक्शन में जो बताया कि दो पैर की, तीन पैर की, चार पैर की एसी हों उनको लगा दो, निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मामले में बहुत शॉर्टकट में बताया, तो उसके बाद में वो वी पी एसी के सिलसिले में बताया जिसको हमने बाईपास किया और ये मोबाइल मेरे हाथ में है। इसमें वो वीपी बाईपास किया आपने? जी सर। तो चलिए मैं बात करूँ, अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? ये चार्जिंग ओके सर। चार्जिंग ओके है और बी क्यू आई सी को निकाल के आपको एक एक जी आर बनाना है। जी सर। है ना, बनाने वाले हैं आप? नहीं सर, मेरा कंप्यूटर वैसे ऑलरेडी कर रखा है। टेस्ट किया था आपने ऑलरेडी? हाँ, टेस्ट किया, मतलब बिना आईसी निकाले आपने टेस्ट किया था? जी जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने बिना आईसी निकाले टेस्ट करके रखा है, बट फिर भी आप एक बार आईसी निकाल के दोबारा से टेस्ट करने वाले हैं। जी सर। तो चलिए ठीक है, दिखाइए और सबसे पहले चालू करिए फ़ोन को, चार्जिंग करके दिखाइए। जी सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने आईसी को निकाल के दोबारा से लगा दिया है और जीआर सीट भी बना लिया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार्जिंग का सिंबल भी आ चुका है। तो किसी भी आईसी को निकाल के आप डाटा सीट बना पाएंगे? जी सर, बिल्कुल लगा बना सकते हैं। क्या बोलेंगे उनको जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि बिना शक्को शुभ के आप आ जाइए, बिना सोचे और समझे, क्योंकि हमें इतनी खुशी हो रही है जो हम सोचते नहीं, जिन कंपोनेंट को हम नहीं नज़रअंदाज कर देते थे आज वो कंपोनेंट हमें मालूम पड़ा कि कितनी कीमत रखते हैं वो। पैसा वसूल है? बिल्कुल सर। आपका हुआ? बिल्कुल सर। क्लास था? किसके साथ था आपका चार्जिंग? देव सर के साथ में था। छः घंटा हम लोग का थ्योरी हो गया, उसके बाद में आके प्रैक्टिकल में बैठ गए। अभी 6 घंटा इधर में प्रैक्टिकल में हो गया, फुल्ली ट्रेसिंग किया है, फुल्ली कि कहाँ से जी आर निकलता है, कहाँ से क्या निकलता है, फुल्ली अभी कॉन्फिडेंसली हम लोग काम कर सकते हैं। बोर्ड अगर सैमसंग का हो, एमटीके का हो, क्वालकॉम का, कोई सा भी बोर्ड हो, तो चार्जिंग की आपके पास सारी ट्रिक है? जी जी जी, फुल्ली ट्रिक है। नहीं है यहाँ पे अपन बाकी, आपके पास चार्जिंग की सारी ट्रिक है, कब आपकी चार्जिंग आईसी सही है, चाहे आपकी चार्जिंग आईसी खराब है, है ना, पूरा कब ओवीपी खराब है आपकी, ओवीपी को बाईपास कौन कौन कर सकता है भाई? क्लास हो गया हमारा चार्जिंग कनेक्टर ट्रैक बी क्यू आई सी के आइडेंटिफिकेशन, उसके जी आर और वोल्टेज चेक करना, इसके बारे में क्लास हो गए। तो कैसी रही देवसर के साथ क्लास आपकी? बहुत अच्छे रहे। क्या लेवल था पढ़ाने का? सुपर से ऊपर सर। कितनी बार एक आईसी को समझाया? बहुत बार, कम से कम 8-9 बार तो एक टॉपिक उन्होंने रिविजन पे ले लिया। रिविजन पे ले लिया और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी वही पे दिखाते थे वो। अच्छा, तो और अभी यहाँ क्लास में आए, तो यहाँ क्लास में आने के बाद क्या किया आपने? ट्रेसिंग किया सर, आईसी निकाल के उसके जीआर वगैरह चेक किया, ट्रैक पैड चेक किया।
सारा वोल्टेज भी चेक किया, वोल्टेज भी चेक किया सर। क्लास थ्री चार्जिंग सेक्शन था और ओ ए पी ए कैसे उसको डायरेक्ट करना, मतलब बाईपास करना, बाईपास कैसे करना, कोई सी भी ओ वी पी हो गया बाईपास कर जी सर कर देंगे। उसके बाद सर चार्जिंग एसी निकाली भी और वापस डाली भी, वापस से चालू किया उसको। तुम्हारा ये वीडियो देखना चाहता हूँ, देख सकता हूँ लाइव चालू वीडियो दी बनाया आपने? जी सर बनाया ना अभी। जी सर चार्जिंग की क्लास थी देव सर के साथ सुबह 11:30 बजे से रात शाम को 6:30 बजे तक समथिंग राउंड। अच्छा तो सर उन्होंने ऐसी मतलब एक एक चीज़ को 10-10, 8-8 बार समझाया, जो नहीं समझ आ रही वो बार बार पूछते कि हाँ भी ये समझ आई, फिर जो कोई नहीं बोलता था फिर दोबारा खुद ही समझाने लग जाते थे। तो 5 इम्पोर्टेंट ट्रेस पॉइंट बताए सर ने आईसी को, चार्जिंग आईसी को चेक करने के लिए और चार्जिंग आईसी पे काम करने के लिए। कब आपको चार्जिंग आईसी बदलना है, कब चार्जिंग आईसी को नहीं बदलना है, ये सारी ट्रिक है आपके पास? यस सर। अगर फेक चार्जिंग की बात करें तो फेक चार्जिंग का सोल्यूशन है आपके पास? यस सर। स्लो चार्जिंग का सोल्यूशन है आपके पास? अगर बैटरी इंडिकेटर नहीं करता है तो उसका सोल्यूशन है आपके पास? सोल्यूशन है। तो सारी चीज़ें एंडलेस हुई कि नहीं हुई? एंडलेस हुई। आपने लाइव चालू मोबाइल पर सारे वोल्टेज की और स्विचिंग की ट्रेसिंग करी कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। करी कि नहीं करी? यस सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो, आई एम अजय फ्रॉम सारे हैं आपके पास? डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है सर, बहुत सारे सर, मतलब एक से एक ट्रिक है अपने पास सर, एक से एक नहीं होगा, एक 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 पूरा सर ट्रेस कर लिया अपन ने। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया मेरा भाई तुमने? सर बी क्यू आई सी को निकाल के उसको पूरा उसके ट्रेसिंग की डायग्नोज करके उसको वोल्टेज चेक किया कहाँ पे कितना आ रहा है, जैसे थ्योरी बताया वैसे प्रैक्टिकल किया। तो वोल्टेज भी चेक किया आपने, स्विचिंग की लाइन कहाँ मिलती है वहाँ भी चेक किया, बूट की लाइन कहाँ मिलती है वो भी चेक किया, आउटपुट भी चेक किया आपने, इनपुट भी चेक किया। जो जो सर मेन मेन है एकदम पूरा, ओवीवी को बाईपास कर सकते कि नहीं कर सकते? 3 सेकंड में सर, 3 सेकंड अच्छे तरीके से पढ़ा और हर चीज़ का हमें सोल्यूशन बताया। जितने भी सीपीयू हैं कॉलकॉम हो गया, एमटीके, सैमसंग, पूरा हमें एकदम जितने भी हैं सब बताया सर ने, जितनी भी चार्जिंग आईसी है वो सब उसके बारे में नॉलेज मिली, मतलब जितने भी उसके वो लाइन ट्रैक है सिर्फ आईसी के नीचे हम पैड लाइन बना सकते हैं, बीच में जितने फोर्ट है कैपेसिटर में कितना जीआर आता है, कितना वोल्टेज आता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अगर कोई केस आता है हमारे पास तो वो वापस नहीं जाएगा, मतलब वापस नहीं जाएगा पूरा बना के। तो बना आज के आपने पूरे लाइव बोर्ड में चालू बोर्ड में आपने सारे वोल्टेज की ट्रेसिंग करी कि नहीं? जी बिल्कुल, आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है प्रैक्टिकल? जी बिल्कुल। और ये नहीं कि आपने एक बोर्ड में किया, कोई सा भी बोर्ड हो आप उसमें कर सकते हैं, कोई सा भी सीपीयू, कोई सा भी कोई सी भी आईसीयू अपन उसमें पूरा डायग्नोस करके उसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये बात खाली तुम्हारी अकेले की पूरी क्लास की? नहीं पूरी क्लास की, पूरी क्लास एकदम 100% रिजल्ट है आज का, मतलब जितना सर ने पढ़ाया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा यहाँ पर होगा जो नहीं कर पाएगा, और भी कर पाएगा, बेहतर से बेहतर कर पाएगा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर आज देव सर के साथ चार्जिंग सेक्शन था जी। और देव सर ने सीपीयू वाइज उसको डिफ़ाइन किया कि किस सीपीयू में चार्जिंग आईसी कौन सी लगी होती है, और साथ में वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ जो ओवीपी आईसी लगी होती है उसके बारे में भी पूरी डिटेल बताई। तो सर ने जो डिटेल बताई खाली सिंगल सीपीयू पे बताई कि जितने नहीं, भी जितने भी 4 सीपीयू होते हैं, और 4 सीपीयू चारों पर उन्होंने बताया कि 4 सीपीयू पर जो चार्जिंग आईसी उसको डिफ़ाइन किया होगा। तो अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में सीपीयू वाइज जो उसके कंपोनेंट्स है, जो उसकी पैड लाइन थी उसको ट्रैक किया, और ट्रेस करने के बाद उसमें जो फॉल्ट थे फॉल्ट वोल्टेज का मेजरमेंट किया कि नहीं? हाँ फॉल्ट फाइंडिंग की उसकी, वोल्टेज का मेजरमेंट जो सर ने बताए थे वो वोल्टेज जहाँ पे मिलना चाहिए तो वो वाकई में आपको एक बोर्ड में मिले कि नहीं? हाँ, क्या खाली एक ही मोबाइल पर ट्रेस किया? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग आईसी के हिसाब से जो 4 सीपीयू है 4 सीपीयू के हिसाब से उसको ट्रेस किया, फॉल्ट फाइंडिंग की और उसका सोल्यूशन निकाला। ठीक। आज देव सर के साथ पूरे 8 घंटे चार्जिंग की क्लास चली जिसमें पूरा निचोड़ हम लोग को देव सर ने दिया जी। उसके लिए देव सर को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा जी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड हाफ में मैंने प्रैक्टिकल किया जी एमबी सर के साथ जी। कहाँ पे कितना क्या वोल्टेज आना चाहिए, कि वो कौन सा लाइन में क्या वोल्टेज आना चाहिए जी, सारा 2-3 मोबाइल में मैंने प्रैक्टिस उसका किया। तो तीनों मोबाइल पे आपने पूरी पेड लाइन चेक करी, वोल्टेज चेक करे, स्विचिंग देखी आपने कि कहाँ पे स्विचिंग होती है, कहाँ पे बूट बनता है आपका और कहाँ से आउटपुट निकलता है, पूरा का पूरा चेक किया आपने? हर चीज़ सर, बहुत सारा उसमें ट्रिक्स भी मतलब हम लोग को मिला कि कैसे क्या पहचाना जाए, किधर से क्या वोल्टेज आएगा, बराबर सर, सारा ट्रिक्स के साथ हम लोगों ने उसको किया। तो और
अपन सी टाइप सर्किट की बात करें तो कोई भारी है का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जो आज भारी भारी चीज था सब अब एकदम आसान हो गया, एकदम बिल्कुल आसान, बिल्कुल हल्का हो गया। मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से हो सकता है, इतना एंडलेस हो सकता है, ये पता नहीं था। बस सुनते थे कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन आज पता भी चल गया कि एशिया टेलीकॉम में ये होता है। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो सर, मेरा नाम मोहित चौरसिया है। हाँ मोहित सर, आज चार्जिंग सेक्शन था, बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया सर ने, पूरा समझ आया। BQI से तो पूरा माइंड में बैठ गया, उसके लिए डेटा शीट देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करें PMI की बात कर ले, मेन PM में अगर चार्जिंग हो, SMB में लगा हो, S2MU में लगा हो, SM में लगा हो, सर सर ट्रेस करके IC में लगा हो, किसी भी IC, और अगर माए बाप IC जिसको हम बोलते हैं कि सिंगल पावर में अगर चार्जिंग हो तो उसमें भी सर ट्रेस करके बना देंगे। बिल्कुल पेड लाइन तक मैंने तो लाइव करके देखा, एक आईसी उठाया था मैंने PMI। हाँ। उसमें मैंने ट्रेस किया वीबस का लाइन, उसमें 135 नंबर की पिन पे मेरे को वीबस मिला। अच्छा। मैंने बनाया भी उसको, वो पूरा पेड लाइन तक ट्रेस किया मैंने, फिर वापस रिवॉल्व करके लगाया, फ़ोन चालू भी किया। तो ये चार्जिंग सेक्शन जो बहुत भारी सेक्शन होता है और कॉमन फॉल्ट होता है टेक्नीशियन के पास, हर चौथे मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो अब फेस करने को मिलेगी क्या प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगा? सर अब तो सीधे सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल एक बार देखेंगे ट्रेस करके और सॉल्यूशन सीधा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती है चार्जिंग में। पहले हम सीधे बाईपास करके बैटरी कनेक्टर पे डाल देते थे चार्जिंग, एक अलग से डायोड लगा के, पर अब ऐसा काम करना ही नहीं है। अब पूरा चीप लेवल वाला काम करेंगे, ट्रेस करके पूरा उसका सॉल्यूशन निकाल के। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपके पास? हाँ है सर। चलिए सर, दिया गया और हर एक चीज़ एकदम क्लियर तरीके से समझाया गया था, क्लियर तरीके से। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपने क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में IC अरेंज करके एकदम ट्रेस करके, आपने IC का सारा वोल्टेज चेक किया कि नहीं, कहाँ स्विचिंग मिल रहा है, कहाँ बूट मिल रहा है, कहाँ वोल्टेज मिल रहा है, कहाँ कौन सी MID की पिन है, आउटपुट की पिन कौन सी है, OBP पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, OBP के बाद वोल्टेज कितने आ रहे हैं, आपने आपके जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर के IC के आउटपुट तक आपने पूरी ट्रेसिंग करी कि नहीं वोल्टेज सही? एकदम क्लास में बैठ करके पूरा ट्रेसिंग करके एकदम हर चीज़ चेक करके एकदम क्लियर किया सर, एकदम अच्छा लग रहा है सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?